सेंसिबल नहीं अप्रोच। इस बात में तो सौरभ गंगुली एक जब हम देखते हैं पड़ोसी लेकिन भारत वो की अगर बात करें पाकिस्तान से कहीं आगे निकला है। अगर उनकी मार्केटिंग टीम देखें, उनकी क्रिकेट टीम देखें तो वो बहुत आगे भाई, उनकी टीम बहुत आगे, उनकी क्रिकेट टीम बहुत आगे जा चुकी, उनकी मार्केटिंग आगे जा चुकी, उनके उनके पास सुलझे हुए लोग मौजूद हैं जो अच्छे फैसले करते हैं। वो अपनी लीग बचाने में कामयाब हो गए, अब रह जाएंगे दुबई। ठीक है, अगर मुंबई में दिल्ली में सूरत हाल कोरोना वायरस की खतरनाक होगी। नसीम राजपूत साहब, कितनी काबिले कबूल रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हासिल कर सकता है? मुझे तो लग रहा है बहुत कम रकम मिल रही है जब ही छुपाई गई है। काबिले कबूल होती मोहसिन तो फिर ये मंजरे आम पे ले आते। आपको पता है कितने पैसे मिले? उसके आपको 20% भी नहीं मिले, अगर साल के हवाले से भी देख लेते हैं आप तो 20% भी रकम नहीं मिली है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं था कि वो इस रकम को सामने लेकर आता। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट नहीं बिक पा रही है तो आप बेचोगे क्या भाई? आपको बताऊं, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आप हैरान हो जाएं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखिए, आप इंडिया की एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, किस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है वो इंतजार करते रहे कि शशांक मनोहर चले जाएं। आप शशांक मनोहर के साथ हम खेलते रहे, पता है कि शशांक मनोहर नहीं रहेंगे, वीजो का क्या होगा अगले साल, ये बात पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं हम शशांक मनोहर के कहने पर। कह दिया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, आप किसके कहने पर इतने सवाल कर रहे हैं जनाब? वो खामोश होके बैठे रहे, उन्हें पता था कि अल्टीमेटली आप एशिया कप देकर आ गए श्रीलंका को, आपने पहले से डिसीजन ले लिए थे। अरे भाई आप थोड़े दिन इंतजार तो कर लेते, मेजबानी आपके पास थी, अब 2022 के बाद मिलेगी आपको, उसके बाद जाके आपकी इस पर भी बहुत डिबेट हुई सोशल मीडिया पर भी, लोगों ने तंकीद की कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बालू था। देखिए आपने क्या किया, उन्होंने किस खूबसूरती से, अकबाल भाई एक सेकेंड, उन्होंने देखें किस खूबसूरती से खेला, उन्होंने आहिस्ता 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 वर्ल्ड T20 एशिया कप हटा के अपनी IPL की विंडो बना ली। ये होती है सेंसिबल अप्रोच। इस बात में तो सौरभ गंगुली जब हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें पाकिस्तान से कहीं आगे निकला है। अगर उनकी मार्केटिंग टीम देखें, उनकी क्रिकेट टीम देखें तो वो बहुत आगे हमसे भाई, उनकी टीम बहुत आगे, उनकी क्रिकेट टीम बहुत आगे जा चुकी, उनकी मार्केटिंग आगे जा चुकी, उनके उनके पास सुलझे हुए लोग मौजूद हैं जो अच्छे फैसले करते हैं। वो अपनी लीग बचाने में कामयाब हो गए, अब रह जाएंगे दुबई। ठीक है, अगर मुंबई में दिल्ली में सूरत हाल कोरोना वायरस की खतरनाक होगी, वो $475 मिलियन मिस नहीं करेंगे, वो जाके दुबई में करा लेंगे। इस वक्त मसाइल जरूर थे लेकिन इतने भी मसाइल नहीं थे। असल में क्या कि हड हरामी है आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ठंडे कमरों में बैठ के डिसीजन लेते हैं, एक कंपनी आ जाती है उसी को भेज देते हैं। भाई अगर वो कंपनी आपको पैसे कम दे रही थी, अभी भी उसी कंपनी से ही आपने मुआयदा किया है क्योंकि आपके अपने ताल्लुकात उस कंपनी के साथ ऐसे थे कि जिसका लोगो माजी में भी लगता रहा है और आप एक मरतबा फिर लगा रहे हैं। बिल्कुल, कि आपको उन्होंने सुनना भी गवारा नहीं किया। आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट चूंकि ठंडे कमरों में बैठा रहता था, लाखों रुपए ले रहा था, उसी कंपनी से डील करते थे, कंपनी जाके उस कंपनी से डील करती थी जिस मशरूफ साहब इदारे से हमने सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, जिसका हम अपने शर्ट के ऊपर लोगो, तो हम जो है वो उसी कंपनी से मुआयदा करते थे, उस मशरूफ साहब कंपनी के पास आज तक नहीं गए। अगर हम अपने डायरेक्ट ताल्लुकात भी रखते कहीं ना कहीं, उसने भगा दिया आपको, उसने कहा कि जाएं उसी कंपनी से बात करें, पर उस कंपनी ने आपको जितने पैसे दिए। स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, फिर दूसरी इंडिया की जो बात निकली, कहा जा रहा था कि सौरभ गंगोली के हवाले से कि ICC के चेयरमैनशिप पर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, अगर वो ICC के चेयरमैनशिप पर आते तो उससे क्रिकेट को नुकसान होता, फायदा होता? देखिए मैं ये समझता हूँ, अभी नसीम भाई ने आपसे बिल्कुल डिटेल में बात की और मैं एक बात और ऐड कर दूं नसीम भाई के साथ साथ कि उसी कंपनी ने श्रीलंका से मुआयदा किया है, अभी मुआयदा श्रीलंका से 3 साल का उन्होंने अपने शराइत पे मुआयदा किया है और आपको 1 साल का भी मुआयदा दिया, वो भी कम उसके ऊपर दिया। तो भाई क्या भीख मांग रहे हो किसी से आप? क्या आपको फ्री के टूर मिल गए, ये सारी चीजें हैं, प्रेजर ट्रिप लगा सबके सब गए हैं, 45 लोग चले गए, ये तमाम चीजें आपके साथ। फिर आपने जैसे नसीम भाई ने कहा कि श्रीलंका एशिया कप हमारे यहाँ पे होना था, यहाँ सारी चीजें थी और उस पे मानिए साहब का जवाब या वसीम खान का जवाब मैंने मीडिया पे सुना, उन्होंने कहा कि इसमें हमें इतनी ऐसी वो नहीं थी, कोई वो नहीं था, हमें पता था कि ये हो जाएगा। मतलब ये है कि पैसा ही जरूर चीज थोड़ी अपनी रिट बनवानी चाहिए थी कि भाई कि अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो
जब भी होगा तो यहाँ पे होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने इतनी टीम खिलाड़ी गए हुए, इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट गई हुई है, खुद एहसान मानी साहब वहां पर हैं, एहसान मानी साहब दबा के इंटरव्यू दे रहे हैं कभी इंडिया के चैनल को कभी किसी और चैनल को, वहाँ वकार यूनुस भी जो है वो इंडिया के चैनल पे छाए हुए हैं बुरी तरीके से। तो फिर ये मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं हमारा, वही तो प्रोवाइड कर रहा होगा इंडियन मीडिया को प्लेयर्स, वकार यूनुस हो गए, एहसान मानी हो गए। देखिए काशिफ भट्टी का रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधा सीधा बैकफुट पे चला गया होगा, अब उनके पास फ्रंट फुट पे आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मीडिया बड़ी गहरी नजर रखा हुआ था कि जिन खिलाड़ियों को हमने इन माहौल में COVID-19 के माहौल में खेलने के लिए भेजा है, हम इंग्लैंड के पैसे कवर करा रहे हैं, उनके टेलीविजन राइट्स के इतने करोड़ पाउंड है, वो किसी ना किसी तरीके से हमने कवर कराने, अबे भाई हमें क्या कवर कर रहे हो ये तो बता दो हमें, तो ना हमारे खिलाड़ियों को कोई कवर किया आपने, ना हमें कोई सीरीज दी है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। काशिफ भट्टी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन लाजमी तौर पे बैकफुट पे चला गया होगा कि ये खबर अगर बाहर निकल गई, मेरे ख्याल सबको कस्में देना शुरू कर दी होंगी, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL है और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ही IPL में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन, जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि वो जब तक मोदी वहां पर है उस वक्त तक तो पाकिस्तान और इंडिया की किसी किस्म की क्रिकेट की टाइज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल फाइनली अच्छा,